बात नरसिंहपुर की करेंगे। जिला प्रशासन और खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। तंबाकू निर्मित पदार्थों की दुकानों पर छापा मारा है और भारी मात्रा में पान मसाला जब्त किया है और इस कार्रवाई के विरोध में दुकानदार सड़क पर उतर आए हैं और नगर बंद करने की भी बात सामने आ रही है। तनावपूर्ण स्थिति है, मुख्य बाजारों में जाम लग गया है। पंकज गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, नरसिंहपुर में तंबाकू की दुकानों पर छापामार कार्रवाई हुई है और ऐसे में अब दुकानदार सड़क पर उतर आए। जी, बताना चाहूंगा कि आज बाल दिवस के मौके पर तंबाकू उत्पादन पर जो प्रतिबंधित हैं उनको लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की थी और नगर की जितनी भी तंबाकू दुकानें हैं, पान मसाला की दुकानें हैं, पान विक्रेता हैं, उनके यहाँ छापामार कार्रवाई की थी और भारी मात्रा में तंबाकू से बने उत्पादन भी जब्त किए थे। इसको लेकर प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं वो भड़क गए और उनका कहना है कि जिस तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, सीधा सीधा उनको उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही जिस तरीके से प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं उससे व्यापारी आए थे कि उनका कहना है कि इस तरीके से प्रशासन हमें चोर साबित करने पर तुला हुआ है और जिस तरीके से एक एक दुकान में 10-10 पुलिस वाले पहुंच रहे हैं, इसका विरोध करते हुए वो सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने जाम लगाया है, सारी दुकानें बंद करवाई हैं और SDM ऑफिस का घेराव तक किया है। शुक्रिया संजय, इस तमाम बातचीत के लिए।